बढ़िया है, मेरे बढ़िया है। ये एक बावड़ी, ये महेश्वर जाने के रास्ते में मिलती है। महेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। बावड़ी काफ़ी अच्छी हालत में है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। गणेश जी का मंदिर मंडलेश्वर। यहाँ महेश्वर यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे है लगभग। उससे पहले एक मंदिर पता है, टाटम्बरी गणेश जी का मंदिर शायद है, एक काली गुफा के नाम से जाना जाता है। हम अभी वहीं जा रहे हैं। इंद्र सिंह टेकरी के नाम से जाना जाता है। बड़े गणपति मंदिर भी है। आगे ये नरसिंह टेकरी है और गणेश जी का मंदिर। ये गुफा है। जय हो, अरे वाह, जय हो, अरे वाह, जय हो, ज्ञानदायक गुफा है। जय हो मैया, जय हो मैया, अरे वाह, जय हो मैया, जय हो मैया काली में। ये माता जी गुफा में विराजमान है। मिट्टी की गुफा है जहाँ तो दिन रात पता नहीं चलता होगा कि दिन है कि रात है, लाइट की वजह से ही मालूम चलता है। ये महाराज जी यहाँ पे महाराज जी सेवा करते हैं। देखिए एकदम अंदर है और बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि आगे ऊपर छत पूरी मिट्टी की। तो बहुत सुंदर। विषधर आस्तिक मुनि, ये क्या ज्ञान है? अच्छा, उनकी ज्ञान। ये देखिए ये गुफा पक्की है भी है, आधे ना दिए जी, बहुत पुराना है, बहुत पुरानी है गुफा है। 14 से 15 साल पुराना है। इधर धुना है, सीधा धुना भी, ये धुना है, गुफा है। अच्छा ये भी गुफा है। लाइट नहीं है यहाँ पे? यार लाइट नहीं। अच्छा दिन में दिखेगा? ना दिन में दिखेगा। अच्छा ठीक है, दिन में इसका खींचेंगे। ये अच्छी गुफा एकदम आलीशान। ये इधर कितनी गुफा पक्की है और ये अंदर की गुफा जो है वो मिट्टी की है। मिट्टी की होने की वजह से यहाँ ठंडी गर्मी का टेम्परेचर बराबर रहता है। करते नहीं, लाइट बंद रहती तो आप देख नहीं सकते। हाँ, क्या है दिन है कि रात नहीं पता चलता। ये तो वाकई बड़ी भव्य है वो है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, दिख भी रहा है पुराना दिन। अच्छा ये काली माता, अरे वाह, बहुत जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये मैया का काली माता का रूप। जय हो, जय हो मैया।
बहुत ही जो रौद्र रूप होता है वो ही रूप में प्रत्यक्ष दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार के लिए दुष्टों का अंत करने के लिए ही साक्षात इसी रूप में आई है। ये बहुत ही सुंदर किया, रात का बहुत सुंदर आनंद स्थान। जय हो जय हो, बहुत ही सुंदर आनंददायक जगह है, हवा भी चल रही है। जय हो मैया, जय हो मैया, ये भी मैया का स्थान है। जय हो मैया, अरे वाह बहुत सुंदर, 1700 साल पुरानी मूर्ति है। जय हो मैया, जय हो मैया। अब ले जाओ कैमरा, तो आएगा वो तो पास में, माता जी नहीं है, ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा। ये 1700 साल पुरानी मूर्ति है। जय हो मैया, जय हो मैया, आदि अनादि सुबह देख सुबह। हाँ जी जी जी, सुबह दिन में दिखाते हैं। जय, मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसे दिन में देखेंगे और अच्छे से। जय हो मैया, जय हो मैया, दी है, दी है। हम अभी काली माता गुफा में हैं, है। ये वहाँ का आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। चारों तरफ हरा भरे पेड़ लगे हुए हैं, और अभी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो वो बहुत सुंदर दिखेंगे। ये एक मंदिर है, ये भी काली माता का ही मंदिर है। कल रात में हमने यहाँ के दर्शन किए थे। ये महेश्वर में पड़ता है काली माता का गुफा, नर्मदी। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। हमने रात में अंदर के दर्शन किए थे, मगर ये बाहर से दिखता कैसे है, इसलिए इसे दिन में भी कर रहे हैं। गणपति है, चलिए मंदिर खुल रहा है, मंदिर के दर्शन करते हैं अंदर, मैया के, काली माता के। जय हो मैया, जय हो मैया। देखिए कितने पार्ट में है, एक लकड़ी का, फिर दीवार, फिर उसके बाद ये दूसरा दरवाजा। जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। ये मूर्ति बहुत ही पुरानी, हाँ, बताई जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जय हो, जय हो, काली जय हो। आदि अनादि ना, देखो ये, हाँ ये मूर्ति है ना, ये जी कलर है। कि माई का विकराल रूप, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, जय हो मैया, जय हो मैया।
बहुत विकराल रूप माता का। नीचे भोलेनाथ ये मंदिर इस हिसाब से बनाया गया है कि यहाँ से साधना भजन ध्यान मैया का अनुष्ठान किया जा सके। जय हो जय हो जय हो। और देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है ये जिस भी तरीके डिजाइन से बनाया गया है। जय हो। हम मैया के गुफा काली माता की गुफा चल रहे हैं। ये काली माता की ये गुफा। जय हो मैया जय हो। जय हो। ये मैया की गुफा छोटा सा दरवाजा। जय हो। जी और रह सकते बना सकते हैं मगर ये मैया के द्वारा अपने आप ही मिल गया। जय मैया काली माता की ये गुफा है। काफी बड़ी गुफा है ये देखिए। जय हो भैया। यहाँ पे भी साधना भजन ध्यान बहुत सुंदर अच्छी तरीके से होता है क्योंकि यहाँ आने के बाद आप बाहर की दुनिया से एकदम कट जाते हैं। सिर्फ मैया दिखती है और अपना ध्यान। जय हो नर्मदे नर्मदे। जय हो। जय हो। ये है ये भी देखिए गुफा भी है। यहाँ पे भैरव भैरवी मंदिर काली गुफा का जो वो है ये धुना है महात्मा का। ऊपर ढेर सारे चमगादड़ भी हैं कि कोई आता जाता जाता नहीं तो चमगादड़ भी है। जय हो जय हो। क्योंकि चमगादड़ अपना मस्ती कर रहे हैं। जय हो। ये काली माता का मंदिर हर जगह से प्राचीन है पुराना है। ये देखिए जय हो। ये बहुत पुराना मंदिर है क्योंकि हर चीज़ बहुत ही पुरानी तरीके की है पुरानी ही है। जय हो भैया जय हो भैया जय हो भैया। जय हो भैया। बहुत दिव्य मूर्ति पुरानी। जय हो भैया। ये मंदिर भी बहुत पुराना ही है। ये ठीक धुना के पीछे बना हुआ मंदिर है या कह सकते हैं मंदिर के पीछे धुना बना हुआ है। ये सभी चीज़ पुराने बहुत पुरानी और पत्थर की बहुत मजबूती से बनी है इसीलिए अभी तक टिका हुआ है। ये कोई सीमेंट उमेंट के हिसाब से नहीं बना हुआ ये क्लिप द्वारा पत्थरों को फंसाया जाता था पहले लोहे के उसी के आधार पर ये बना हुआ है मंदिर। सीमेंट उमेंट का कोई हिसाब नहीं था पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है।
द्रौपदी है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही ऊंचाई पे बनाया गया है कि जब कभी नर्मदा जी इधर हैं, पानी बाढ़ आए तो ये मंदिर नहीं डूबता रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। या ये भी हो सकता है कि तब ये मंदिर के पास से ही नर्मदा जी बहती हूँ, कि नर्मदा जी एकदम पास में ही है। काफ़ी पुराना काली माता का मंदिर। जय हो, जय हो, जय। ये बैठने का आसन महात्मा ने बनवाया था। जय हो, जय हो, भोलेनाथ। जय हो, जय हो, जय हो। ये देखिए मंदिर का पीछे का भाग, हम अभी उस गुफा के ऊपर हैं। नीचे शायद शनि देव का भी मंदिर वो बना हुआ है। ये काफी पुरानी है। पेड़ के नीचे ये कुटिया बनाने का विशेष कारण है नर्मदा जी के दर्शन। यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। ये नर्मदा जी भैया, जय हो नर्मदी, नर्मदी है। अभी आगे गणेश मंदिर है, वहाँ चलते हैं। यहाँ से वो दिख रहा है गणेश मंदिर, ये गणेश मंदिर, और एकदम तट के किनारे ही है गणेश मंदिर। जय हो, जय हो नर्मदी है। बहुत सुंदर आसन बना हुआ है बैठ के भजन तपस्या करने के लिए। बहुत ही सुंदर आनंददायक मंदिर और स्थान है। जय हो, जय हो। ये एकदम चारों तरफ जंगल, हरियाली, एकांत, भजन साधना के लिए बहुत सुंदर जगह। जय हो। नर्मदी है, नर्मदी है। आज 25 मार्च 2021 है। हम आज महेश्वर में हैं और ये महेश्वर के पहले ये काली माता की गुफा के दर्शन किए, अब से बड़े गणपति मंदिर जा रहे हैं। गणपति ये श्री बड़े गणपति मंदिर है। गणपति बड़े गणपति श्री क्षेत्र श्री अमरधाम सेवा आश्रम खरगोन जिला। गणपति अभी हम महेश्वर में हैं, ये खरगोन जिला में ही यहाँ से शुरू हो जाता है। ये महेश्वर का बड़े गणपति मानते गणपति। ये यहाँ के सारे मंदिर जो शहर से बाहर हैं, पहले हैं या बाद में, बहुत अच्छी जगह है। बहुत आनंददायक, शांति भरी जगह, एकदम कोई शोर शराबा नहीं। भजन के लिए, ध्यान साधना के लिए बहुत सुंदर आनंददायक जगह है। इसी बड़े गणपति मंदिर महेश्वर की खरगोन जिला में पड़ते हैं।
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ये हनुमान जी महाराज, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो। गोशाला, गोशाला, बहुत सुंदर मंदिर स्थान, बहुत सुंदर। जय हो गणपति, अरे आनंद आ गया। जय हो, जय गणपति महादेव, जय गणपति महादेव, जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रतिमाएं बनी हुई, बहुत सुंदर आनंददायक मूर्ति। जय हो, जय हो गणेश महाजी, विघ्नहर्ता। ऐसी सुंदर दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तीन दिन मूर्तियाँ गणेश जी की, वो भी दर्शनीय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही आनंददायक सुंदर। जय हो, जय हो कृष्ण राज्य। जय हो। ये खम्भे बने हुए, एकदंत, लंबोदर, भालचंद, धूमकेतु, विनायक, सुमुख, मंगल मूर्ति, श्रीपाद, कपिल, गजकड़, वर्कतुंड, सभी गणेश जी के नाम है। जय हो नर्मदा मैया, जय हो, जय हो मैया। देख के बड़ा आनंद, सुकून। जय हो मैया, वाह। यहाँ से बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के, बहुत आनंददायक, शांति का वातावरण है मंदिर का। जय हो मैया, जय हो, बहुत ही सुंदर वातावरण मंदिर का। जी यहाँ का घाट, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, ओम नमो नमः। ये इस तरफ सहस्त्र धारा स्थान पड़ता है, जहाँ ढेर सारी धाराएं निकलती हैं। हम वहाँ जाना चाहते थे, मगर हमें रास्ता नहीं पता था, और जब तक मैं रास्ता पता चला, हम आगे निकल आए। तो ये स्थान बहुत ध्यान रखने के बावजूद ये छूट गया है। हम विशेष कर यहाँ जाना चाहते थे, अब जैसी मैया की इच्छा हुई वैसे ही हुआ। हम कोशिश तो बहुत की, मगर यहाँ जा नहीं सके, क्योंकि हमें रास्ता इसका पता नहीं था किधर से जाना है। ये दत्त मंदिर के सामने से ही इसका रास्ता था, मगर हमें पता नहीं होने की वजह से हम आगे निकल आए दत्त मंदिर से। उसके बाद हमें मालूम चला कि रास्ता वहीं से था, इसलिए ये छूट गया। जय हो, जय हो, जय हो नर्मदे, जैसी मैया की इच्छा। जय हो सामने के घाट, ये एक मंदिर जो पानी के बीच में है।
से और यहाँ से किनारे से ढेर सारे घाटों का रास्ता किनारे किनारे का। जय हो जय। ये गणेश मंदिर बहुत ही सुंदर आनंददायक आश्रम। जय हो जय। ये धतूरे के जड़ की माला है। इसमें तीन धतूरे की जड़ की माला है। जी काला धतूरा, पीला धतूरा, सफेद धतूरा, तीनों की जड़ की माला। जय हो। आपकी गोबर की 108 मंजिला के पीछे गोबर की दीवार, गोबर की ये गोबर की है। देसी गाय का। अरे वाह, जय हो गौ माता, जय हो गौ माता। ये देसी गाय के गोबर की 108 माला है। जय हो माता। जय हो। कितनी चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है, परिक्रमा में आने के बाद ही मालूम चलती कि ऐसा भी होता है। जय हो। गोबर की हम नर्मदा जी के किनारे से ही चल रहे हैं, एकदम किनारे से नर्मदा जी मैया के साथ साथ। आश्रम यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, दो आश्रम में हम दर्शन भी किए, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे महात्माओं ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा प्रेम भी दिखाया। यहाँ नर्मदा जी के तट के किनारे का यही वो है कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, इससे कोई वो नहीं है। आप पैकमवासी हो, बस उनके ही हो, उनके सबसे ख़ास में से आपकी गिनती होती है। नर्मदी नर्मदी। और बहुत ऐसा प्रेम दिखाते, ऐसा प्रेम करते हैं कि लगता है मानो उनके सगे ही हो। जय हो जय हिंद। हम पहली बार आए हैं, पहली बार ही मिले, और उन सब ने इतना प्रेम दिखाया जैसे बहुत पहले से ही जानते हूँ। बहुत प्रेम से रखा, रोकने के लिए भी कहा, पर सुबह सुबह ही हम चले थे और सुबह ही रुकना बड़ा वो है, क्योंकि धूप हो जाने के बाद फिर चलने में बड़ी दिक्कत होती, इसलिए हम रुके नहीं, दर्शन किए और चलते बने। नर्मदी नर्मदी। ये मान संगम महेश्वर का अंगेरा घाट। नर्मदी। ये गणेश मंदिर के आगे पड़ता है। ये नरसिंह मंदिर है। जय हो। ये नरसिंह मंदिर। जय हो जय हो जय। नरसिंह भगवान। ये गुरुकुल भी है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, वेद वेद पाठ संस्कृत। हाँ संस्कृत। अच्छा अरे वाह बढ़िया। जय हो जय हो जय हो। जी गुरुकुल भी है यहाँ पे, बच्चों को संस्कृत नर्मदे भी है पढ़ाया जाता है। जय हो। ये शिव मंदिर।
ओके ये माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला है, नरसिंह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंह मंदिर भी है, ये गुरुकुल भी है, यहाँ बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये यज्ञशाला बहुत ही सुंदर स्थान है, जय हो गौशाला है, सब कुछ बहुत आनंददायक सुंदर मंदिर है। ये मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पर ये बीच में है, तो जब हम उस तरफ थे तो भी नहीं जा सके, और इस तरफ भी है तो भी नहीं जा सके। द्रौपदी है दूर से ही प्रणाम, जय हो श्री महादेव, जय महादेव। इस पे नाव से जाया जा सकता है, अभी पानी कम है इसलिए जाया जा सकता है, पर हम नहीं जा सकते हैं, पैकमावासी नहीं जा सकते हैं, बाकी तीर्थ करने जो आते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है और ये नर्मदा जी का मूल धारा है। नर्मदा किनारे के रास्ते थोड़ा उबड़ खाबड़ रहते हैं, नर्मदा, मगर नर्मदा जी के दर्शन होते रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे घाट बहुत सारे बने हुए हैं, जिनके बारे में पता भी नहीं, पहले कभी वहाँ का महत्व मंदिर या कुछ घाट रहा होगा, अभी नहीं, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। रास्ते थोड़े गड़बड़ है, झाकर और बबूल के कांटे और थोड़ी उस तरह के हैं, पर पैदल किसी तरीके से जाया जा सकता है। मैं ये किनारे के ज़्यादा करके रास्ते ऐसे ही हैं, गणपति निर्वधि ये कोई रिसोर्ट है लग रहा है, मंदिर नहीं, पर घाट अच्छा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसमें जिम दिख रहा है और मंदिर या आश्रम में जिम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अजीब से है,
मछलियाँ हैं कि क्या है जो पानी के ऊपर चल रहे हैं, मगरमच्छ के बच्चे जैसे दिख रहे हैं और दो ही हैं और इनकी चलने का तरीका एकदम अजीब है, मछलियाँ से नहीं चलती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, क्योंकि इनकी आँखें और वो पूरा ऊपर है जैसे मगरमच्छ की रहती है। मगरमच्छ के बच्चे हो सकते हैं, पर यहाँ हो गए। ओ तेरी तो सांप भी, पानी का सांप। अरे अब इसमें आया कि नहीं आया है, पर पानी का सांप भी अभी दिखा, छोटा सा ही था। नहीं बताइए। अभी हमें दो मछलियाँ पूरे, सिर्फ केवल दो ही मछलियाँ दिख रही थी, वो है अभी भी, जिनकी आंखें सामने की ओर हैं और सर के ऊपर है, जैसे कि मगरमच्छ की होती है। हालांकि मगरमच्छ नहीं के बच्चे नहीं हैं, देखने तो नहीं लग रहा है, पर लग भी रहा है क्या है नहीं पता है, पर मछलियाँ तो नहीं है। और भी सांप भी दिखा था पानी का, पर वो भी तुरंत ही गायब हो गया, पानी में चला गया। मछलियाँ नहीं हैं, पर अब क्या है नहीं पता, पर मगरमच्छ भी नहीं है, पर है अजीब भी, क्योंकि इनकी आँखें जो है वो सर के ऊपर है, मतलब सर के पास है, सामने की ओर है, मछलियों की अगल बगल ही होती। ये देखिए, ये होता कोई इस तरह की मछली ही हो, और ये पानी के ऊपर भी तैर रहे हैं और इनकी आंखें जो हैं है, तो हो सकता है मछली ही हो इस तरह की, क्योंकि मगरमच्छ होते तो इनके बच्चे हैं तो मगरमच्छ भी होगा, हालांकि मगरमच्छ नहीं है। ये अजीब मछली दिखी जिसके सर के ऊपर सामने की ओर आंखें हैं, मछलियों के दाएं बाएं आंखें होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय देवी नर्मदी। यहाँ पे मंदिर है, ये जय हो, ये सात माता मंदिर का घाट है। जय हो, जय हो, ये आश्रम भी है, सती माता है, सात माता बता रहे हैं, सती माता। जय हो, आगे जाके देखते हैं, सती माता है, सात माता है, शायद सात माता ही है। सात माता मंदिर, ये सप्तऋषि माता
सप्त मात्र के महात्मा जी, उनके द्वारा ही ये मंदिर की स्थापना की गई है, बनाई गई है। जय हो, जीर्णोद्धार के। अच्छा, ये पहले से थी, शिवलिंग खंडित था तो इनका नया नूतन। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, नर्मदे है, नर्मदे है, सप्तमत। अच्छा जी जी जी, सप्तऋषि मंदिर जो धार नूतन शिवलिंग स्थापना। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये सप्तऋषि माता, और ये शिव जी बहुत सुंदर पीछे का प्रभावशाली लगा हुआ है, जिससे दिव्यता दिखाई देती है। जय हो, ये नर्मदा मैया। जय हो, जय हो, जय हो। ये स्मृति चिन्ह काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये सत माताओं में, ये सत माता हैं, श्री चंडी चमुंडा, श्री ब्रह्मणी, श्री महेश्वरी, श्री महेंद्री, श्री त्रिपुरारी सुंदरी, श्री कौमारी, श्री बरहरी, श्री वैष्णवी, यही सप्तऋषि सप्त माताओं का मंदिर। इन्हीं के नाम पे ये आश्रम सप्त माता मंदिर आश्रम यज्ञ है। ये यहाँ का घाट नर्मदा जी बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ का मंदिर बहुत भव्य सुंदर। जय हो, जय हो। पद्मनाभ जी, नरसिंह भगवान, आनंद पद्मनाभ, आनंदनाथ पद्मनाभ, नरसिंह भगवान जी। माता जी का क्या नाम बताया आपने? ललिता का। गोपाल माता जी का नाम श्री परा षोडशी। बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर, देखने में बहुत ही आनंददायक। सजावट, मैया की श्रृंगार, सभी देवी देवताओं का श्रृंगार बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है। जय श्री राधा कृष्ण। जय हो, जय हो, जय हो। कृष्ण राधा का जो पीछे ये प्रभावशाली लगी, प्रभावली ये लगा हुआ, ये दिव्यता बहुत बढ़ा देता है, बहुत सुंदर कर देता है। जय हो, जय हो। दक्षिणा मूर्ति, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर वो है कि सारे महात्माओं दिव्य पुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। ये सभी महात्मा पहले के महात्मा हुए हैं। जय जय, बहुत सुंदर। जय श्री राम, बहुत ही सुंदर।
मंदिर। Thank you.